Arms at Swami's lotus feet. Whenever somebody is asked to introduce someone, they say that it's my honor to introduce this person. Today I'm actually really feel that it is, chahe wo feel kare na kare, lekin bolte hai, it's my honor. But today I actually truly feel honored to welcome amidst us Brother Amey Deshpande. Brother Amey Deshpande is a brother. We call everybody a brother in Sai organization, but since he's also a co-alumni, he's a special brother. Brother Amey Deshpande ne apna primary school se hi wo Swami ke saath the. Inhone primary school apna khatam kiya aur fir uske baad ye Dubai chale gaye. Dubai mein inhone apni college aur high school kiya. उसके बाद ये बैंगलोर में आके वहाँ पर सेवादल बने और ह्यूलिट पैकेट में जॉब करते थे. जब ये ह्यूलिट पैकेट में जॉब करते थे तो क्योंकि एक बार आप स्वामी के स्टूडेंट बन जाएंगे तो आपका मन तभी ख़त्म नहीं होता. आप चाहते हैं कि मैं फिर से स्वामी का स्टूडेंट बनूँ. और एक बार अगर आप स्वामी के स्टूडेंट हैं तो आजीवन आप स्वामी के स्टूडेंट ही रहते हैं. लेकिन अमेय देशपांडे वापस स्वामी ने उनको MBA के लिए पुट्टपर्ती बुलाया और सन 2005 में उन्होंने अपनी मास्टर्स MBA करी पुट्टपर्ती से. और उन्होंने अपनी MBA नहीं करी, उनको स्वामी ने उसके बाद MPhil भी करवाई. MPhil में स्वामी ने इनको गोल्ड मेडल दिया 2007 में. गोल्ड मेडल पाने के बाद आप सबने, आप लोग काफी बात करते हैं कि स्वामी के स्टूडेंट्स आज इस कंपनी में जाके लीडर बन गए हैं, इस कंपनी में जाके CEO बन गए हैं. और काफी स्टूडेंट्स के ऐसे लोग बात करते हैं कि स्वामी के स्टूडेंट्स इतना अच्छा कर रहे हैं. लेकिन मेरा मानना है कि जो स्वामी जिन स्टूडेंट्स से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनको स्वामी अपने पास ही रख लेते थे. उनको स्वामी जाने नहीं देते थे पुट्टपर्ती से. जिनसे स्वामी कम प्यार करते थे उनको भेज देते थे और कहते जाओ तुम दुनिया के मजे लो, जाओ बन जाओ CEO, जाओ CFO बन जाओ. तो ब्रदर अमेय देशपांडे एक ऐसे ब्रदर हैं, तो स्वामी ने अपने पास ही रख लिया. MPhil के बाद स्वामी ने उनको PhD करवाई, तो मास्टर MBA में, फिर MPhil और फिर PhD. इतने ज्यादा एजुकेशन स्वामी के पास करी. और आप मोस्ट रिसेंटली उन्होंने पिछले एक साल से दो साल से पुट्टपर्ती में वो रेजिडेंट स्कॉलर हैं और ह्यूमन वैल्यूज का प्रोग्राम पुट्टपर्ती से वो रन करते हैं. तो वी आर रियली फॉर्चुनेट टू हैव हिम हियर. है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो साई नाम का सुमिरन किया करे, हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे, मर कर भी अमर नाम उस जीव का जग में प्रभु प्रेम में साई प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे. स्वामी के चरण कमलों पर हमारा कोटि नमन. और यहाँ पे उपस्थित सब गुणीजनों को और भाइयों और बहनों को सब प्रेम साईराम. पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कपिल भैया ने जो इंट्रोडक्शन दी वो इतनी बड़ा चढ़ा कर है कि मुझे एक बात याद आती है जो भगवान एक चिन्ह कथा, छोटी सी कथा जो स्वामी कहते थे, वो कथा कुछ ऐसी चलती है कि
एक गांव में एक बहुत अच्छा शिल्पकार था, स्कल्प्टर, इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता था कि लोग उसको देखकर मंत्रमुग्ध होते थे, इतनी अच्छी। तो एक दिन उस गांव का, उस देश का राजा वहां से जा रहा था, उसने ये मूर्ति देखी और भगवान विष्णु की मूर्ति थी, वो इतना उसने पसंद किया कि वो बोला, अरे मेरे लिए, मेरे राजभवन के लिए एक अच्छी सी, इससे भी अच्छी मूर्ति बना के भेज देना। तो उस मूर्ति वाले को लगा कि अरे आज मेरा वक्त आ गया, स्वयं राजा मुझसे पूछ रहा है कि एक मूर्ति भेज दो। तो उसने एक हफ्ते में एब्सोल्युटली अमेजिंग, मेसमराइजिंग मूर्ति बनाई, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई, और वो अभी कैसे लेके जाएगा अपने राजभवन। तो उसके पास एक गधा था जिसपे वो सब काम करता था, तो गधे के पीठ पे वो मूर्ति चढ़ाई उसने, स्वामी की बात है ये। और वो गधा जैसे चलने लगा, इतनी सुंदर मूर्ति वो गधे के पीठ पे लेकर वो गधा चल रहा है, और जैसे वो कैपिटल, अपनी राजधानी पहुंचता है और यू नो अपने पैलेस के यहाँ नज़दीक पहुंचता है, सब लोग, मतलब राजधानी में सब लोग नमस्कार कर रहे हैं क्योंकि इतनी सुंदर मूर्ति है। और ये गधा सोच रहा है कि फाइनली मेरा टाइम आ गया, मेरे इतने महीनों और सालों की सेवा का आज मुझे परिणाम मिल रहा है कि लोग मुझे नमस्कार कर रहे हैं। फाइनली ना, इतने साल मैंने भगवान की सेवा की है, आज मुझे सब नमस्कार कर रहे हैं। ओके तो पहुंच गया वो, और जैसे मूर्ति निकल पड़ी पैलेस में, वो वापस आने लगा। जैसे वापस आ रहा था, उसको कोई नहीं देख रहा है, ये गधा है। तो उसको लगा, यार क्या हो गया, कैसी है ये दुनिया है, देखिए। वो सोच रहा है, भगवान बोल रहे हैं कि वो गधा सोच रहा है कि देखो कैसी दुनिया है, अभी 5 मिनट पहले सब मुझे नमस्कार कर रहे थे, वैसिलेटिंग क्राउड, इनका दिमाग एक जगह नहीं है। और फिर वो जाके अपने मूर्तिकार से बोलता है कि यार ऐसा क्यों हो गया। मूर्तिकार बोलता है, अरे गधे, वो नमस्कार तेरे लिए नहीं था, वो जो भगवान विष्णु है ना, उनके लिए था। हम साई स्टूडेंट्स ना, हम भी अपने पीठ पे उनका नाम लेके चलते हैं, और यदि हमको लगता है, यदि हमको लगता है कि सब हमको प्रणाम कर रहे हैं, तो मैं भी वो गधे जैसा ही हूँ, और मुझे वो गधा नहीं बनना है। मुझे पता है कि जितने सारे प्रणाम हमको मिलते हैं, वो सब स्वामी के श्री चरणों के, वो सब स्वामी के प्रणाम। और एक बात जो कपिल भैया ने बोली थी कि जो सबसे ज्यादा स्वामी जिनसे प्रेम करते हैं, वो उनको अपने नजदीक रखते हैं, वो बात थोड़ी सी मैं अलग तरह से बोलता हूँ। और एक कहानी, एक भैया थे, वो हमको बोल रहे थे कि कोडेकनाल में स्वामी के साथ बैठे थे, और एक दिन ऐसे ही स्वामी ने पूछा कि अरे यहाँ पे कौन है जो मुझे खरीद सकता है, मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। अरे बाप, स्वामी बिकने के लिए तैयार है, कौन खरीदेगा स्वामी को। तो सब लोग चुप बैठे, कौन बोलेगा स्वामी मैं खरीदूंगा। तो वहाँ पे अंजलि देवी जी भी बैठी थी, वो बड़ी एक्ट्रेस हैं तमिलनाडु फिल्म इंडस्ट्री में। तो स्वामी ने उनसे पूछा, अरे अंजलि देवी जी, आपके पास बहुत पैसा है, आप तो बड़ी है, आप मुझे खरीदोगे। तो उन्होंने बोला कि स्वामी पैसों से नहीं खरीद पाऊंगी स्वामी, मतलब आपके लिए कौन सा, आपका मूल्य क्या है, आप तो अमूल्य है। तो स्वामी से, नहीं, मेरे को एक प्राइस है, मेरे पे एक मूल्य है, वो आप मुझे देंगे तो मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। और ये जो भाई हमारे जो बोल रहे थे हमको ये कहानी, वो स्वामी के बगल में बैठे थे, और स्वामी बोल रहे, आए अंजलि देवी, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, मेरे ये छात्र है ना, ये सब मुझे ले लेंगे। और स्वामी उनको ऐसे पैर से बोल रहे हैं, तू बोल, तू पहली बोल ही बोल। और ये भाई सोच रहे हैं कि यार मैं क्या बोलूं स्वामी, कितना से कितनी से शुरू करूं। ओके, और फिर एक छोटा सा बच्चा था, वो कि बोला, स्वामी मैं आपको ले लूंगा। तो स्वामी बोला, हाँ कितना कितना बोलो। स्वामी इतना प्यार दे सकता हूँ स्वामी आपको। अच्छा, इतना प्यार, और कोई है जो और ज्यादा प्यार।
फिर सबको लगा कि यार ये तो अच्छा आंसर है, सब बोले स्वामी मैं इतना प्यार दे सकता हूँ, स्वामी मैं इतना प्यार दे सकता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर ये बंदा, ये जो भाई था हमारा, ये बोल रहा था कि ये हमारे दिमाग में कभी बात आई नहीं, स्वामी हमको बोल रहे हैं कि तू बोल तेरी बोली क्या है तू बोल, यू नो। और वो भाई बोल रहा था कि हमारे जो ये चेतक स्कूटर रहती थी ना पहले, वो कभी भी सडनली सड़क के बीच में बंद पड़ेगी तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा झुकना पड़ता है और फिर उसको मारना पड़ता है, चालू हो चालू हो चालू हो। स्वामी भी ना हम छात्रों के साथ वही करते हैं, अरे चालू हो यार, कब तू चालू होगा, इतना दिया है तुमको, कब चालू होगा तू। तो जो जो गाड़ी चालू नहीं होती वो कहाँ पे रहती है, वो गैराज में पड़ती है, राइट। हम स्टूडेंट्स ना जो स्वामी के साथ हैं वो न चालू होने गाड़ी जैसे हैं, सदैव वर्कशॉप में ही रहते हैं। जो रेडी स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो गाड़ी अच्छी चलती है वो रोड पे चलती है। तो ये जो सब भाई लोग हैं ना जो बाहर जो काम कर रहे हैं, ये एक्चुअली रेडी गाड़ियां हैं, हम तो बंद पड़ने वाली गाड़ियां हैं, सदैव कभी भी हम वर्कशॉप में ही रहते, कभी वर्कशॉप से बाहर ही नहीं चलती। वो डिवाइन मैकेनिक जो हमारे भगवान हैं, वो डिवाइन मैकेनिक बोलते हैं इनसे कुछ नहीं होने वाला, इसको पढ़ने दो यहीं पे प्रशांति निकले। और कभी फिर बाहर जाके यू नो 20 साल 25 साल बाद वही इसमें बिकती है, एंटिक वैल्यू में बिकती है, वही वही हमारे साथ भी वही होता है, कभी दिल्ली यू नो भेजो, कभी इधर उधर भेजो एंटिक पीस दिखाने के लिए। तो कपिल भैया ये हमारा काम है, हम तो न चलने वाली गाड़ियां हैं, आप तो सर सब पुटपर्ती आते हैं, डिवाइन मैकेनिक को अपना थोड़ा वक्त देते हैं, डिवाइन मैकेनिक थोड़ा सा ऑयल डालता है, थोड़ा सा इधर उधर ये करता है, चलो वापस दिल्ली जाओ स्वामी का काम करो, लेकिन हम तो वहीं पे पड़े रहते हैं, राइट। ये जो मैंने जो पहले जो गाया था मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें जो जो आखिरी लाइन है, अमर नाम उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में जो बलिदान जीवन किया करे, यही सिखाने के लिए हमारे स्वामी आए हैं और यही सिखाने के लिए इस श्री सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है कि हम कैसे प्रभु प्रेम में अपना जीवन बलिदान कर सकते हैं। हम सबके लिए बलिदान करते हैं, हम पैसों के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं, राइट। हम पोजिशन पावर नेम फेम ख्याति राइट सबके लिए हम लोग अपना जीवन बलिदान करते हैं, कौन है जो स्वामी के लिए स्वामी के प्रेम के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं, वो सिखाने के लिए, और वो सबसे बड़ा बलिदान है, राइट। दूसरा कुछ उसके सामने कुछ भी नहीं है, उसका नाम अमर रहता है, राइट। तो हम ये प्रेम कैसे करें, भगवान के साथ कैसे करें। एक बार मुझे याद है हमारे कोडेकनाल 2005 में मैं जब गया था स्वामी के साथ, तो स्वामी ऐसे ही यू नो सबको पूछ रहे थे, भजन का टाइम होने वाला था, सो भजन के पहले हम ऐसे ही स्वामी के साथ बैठे थे, तो स्वामी ऐसे ही पूछे कि देखो कितने लोग आए हैं, भजन हॉल फिल हो गया क्या, यू नो स्वामी अंदर बैठेंगे और मतलब रुकेंगे कि सब भजन हॉल जैसे फिल होगा वैसे ही वो बाहर आएंगे। तो किसी से पूछे कि अरे भजन हॉल फिल हो गया क्या, देखो जरा, तो वो जाके तुरंत वापस आए, अरे स्वामी हजारों लोग हैं वो जो भजन हॉल के अंदर आना चाहते हैं, इतने सारे आए हैं, स्वामी बहुत भक्ति से आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, ऐसा वो सब। स्वामी बोले देखो कितना भक्ति है देखो, और तुम भी देखो क्या तुम लोग, यू नो ऐसा हम लोगों को बोल के, तो हम भी थोड़ा सा यू नो स्वामी के साथ थोड़ा लिबर्टी लेंगे, स्वामी हमारा भी भक्ति कम नहीं है स्वामी, हमको भी बहुत भक्ति है, ऐसा बोले कोई लोग बच्चे। स्वामी बोले लेकिन मुझे तुम्हारा भक्ति नहीं चाहिए। जैसे ही स्वामी ऐसा बोले कि मेरा मुझे तुम्हारा भक्ति नहीं चाहिए, मेरे दिमाग में आ गया ये क्या बात हुई स्वामी, भगवान को भक्ति की जरूरत नहीं तो फिर किसकी जरूरत है, राइट। स्वामी बोले आई डोंट वॉन्ट योर डिवोशन, आई वॉन्ट योर ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे तुम्हारी भक्ति नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा परिवर्तन चाहिए। और स्वामी ने ये इलैबोरेट भी किया कि भक्ति आती है और जाती है, वस्तुंदी पोतुंदी, मी भक्ति वस्तुंदी पोतुंदी, मतलब तुम्हारी भक्ति आके जाती है, कैसे आके जाती है, किसी दिन हम सेंटर आते हैं या समिति के दिन थर्सडे या संडे सेंटर आते हैं, अच्छा भजन होता है, आंखों में आंसू आते हैं, बहुत प्यार करता हूँ स्वामी, शांति 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 के बाद सब चला जाता है, जैसे हम लोधी रोड पहुँचते हैं
वैसे वे आर बैक टू स्क्वायर वन, वस्तुंदी पोतुंदी। हम प्रशांति के लिए हम आते हैं, भक्ति बढ़ती है, ऑल टाइम हाई 52 वीक सेंसेक्स हाई पर जाती है राइट वापस हम लोग आते हैं, वापस बैक टू नॉर्मल, वस्तुंदी पोतुंदी। लेकिन स्वामी बोल रहे हैं कि ऐसी वाली भक्ति मुझे चाहिए ही नहीं। एक्चुअली ऐसी भक्ति हमारे देश में बहुत है। आप कौन सी भी मंदिर में चले जाओ, भक्ति की कुछ कमी है? आप वैष्णो देवी चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, शिरडी चले जाओ, तिरुपति चले जाओ, कहीं कौन से भी मंदिर में चले जाओ, हजारों भक्त रहते हैं। वो क्या करते हैं? भक्ति करते हैं वो। फिर ये और एक अवतार की क्या जरूरत है? इतने सारे वैसे भी देव देवता है राइट। स्वामी को भक्ति नहीं चाहिए, वो वाली भक्ति आती है और जाती है। हम स्वामी को एटीएम मशीन जैसे इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्वामी मतलब कौन सी भी देव। आज ये कार्ड नहीं चला तो दूसरा कार्ड, आज गणेश जी का वंदन करेंगे, गणेश जी का कार्ड लेके गणेश मंदिर में जाएंगे, शिरडी बाबा का कार्ड लेके शिरडी बाबा के मंदिर में जाएंगे, अरे शिरडी बाबा का कार्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं दे रहा है तो तिरुपति जाएंगे राइट। क्योंकि हम हर वक्त पूछते रहते हैं भगवान से, कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। स्वामी को वो वाली भक्ति नहीं चाहिए। स्वामी बोलते हैं एक बार परिवर्तन आता है, वंस ट्रांसफॉर्मेशन कम्स, फिर वो इट इज ऑलवेज देयर। मुझे वो वाली भक्ति चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन राइट। और इसीलिए तो ये सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई राइट। तो पहले प्रभु प्रेम में जो बलिदान जीवन किया गया, वो बलिदान क्या है? वो बलिदान ट्रांसफॉर्मेशन है। और अभी हम सोचेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। सबको ट्रांसफॉर्म होना है, सबका परिवर्तन, हृदय परिवर्तन होनी, और थोड़ा थोड़ा है भी। हम स्वामी के पास, ऐसा नहीं है कि हम स्वामी के पास आए और कुछ नहीं हुआ, बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी लंबी रेस है। तो ये परिवर्तन हम कैसे ला सकते हैं? मुझे एक सुंदर बात, मैंने पहले भी बहुत बार ये बोला है लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मैं खुद को एक्चुअली रिमाइंड करते रहता हूँ यू नो इस बात से। ये बात एक्चुअली भगवान के सामने बोली थी एक सर ने, और स्वामी इतने हंसे थे उस पे कि मुझे अभी तक याद है एकदम, मतलब यू नो रोड पोर हुए थे स्वामी, मतलब पेट धर धर के हंस रहे थे। तो उनकी बात ऐसी थी, वो बोले आप सबने ओलंपिक्स के बारे में सुना है? ओलंपिक्स के बारे में सुना है? यहाँ कोई है जिसने ओलंपिक्स के बारे में नहीं सुना है? कोई नहीं है, सबने ओलंपिक्स के बारे में सुना है। ये बोले कि सत्य साई सेवा और सत्य साई मूवमेंट जो है ना, वो ओलंपिक्स की तरह है। ओके, कैसे है? पहले तो सबने ओलंपिक्स के बारे में सुना है, वैसे भी ऐसे ही अपने पूरे विश्व में सबने सत्य साई मूवमेंट के बारे में सुना है। ओके, सबने सुना है। इनफैक्ट आज एक भी ऐसा कंट्री नहीं है, एक भी देश ऐसा नहीं है जहां पे सत्य साई मिशन नहीं है। 200 कंट्रीज, 200 देशों में सत्य साई मिशन चालू है अभी तक। जिन कंट्रीज का नाम हम लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं सुना है, ऐसे भी कंट्रीज है जहां पे स्वामी पहुंच गए। अरूबा, कभी नाम सुना है देश का नाम अरूबा? वहाँ पे भी सत्य साई लोग हैं। क्यों? हमको कैसे पता चला? स्वामी का जो 90th बर्थडे सेलिब्रेशन था वो किसी अरूबा के डिवोटी ने रेडियो साइड पे देखा था, क्योंकि हमको समझ में आता है कि ये कहाँ से व्यूअर्स आ रहे हैं। अरूबा ये देश है क्या? पहले तो हम लोगों ने पूछा था राइट। ऐसा ऐसे देश तो सब लोगों ने, इवन गल्फ में जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, प्योर इस्लामिक कंट्रीज, वहाँ पे भी सत्य साई मिशन चलता है। इनफैक्ट वहाँ की CID, वहाँ के पुलिस, वहाँ के शेख लोगों को भी सत्य साई बाबा के बारे में पता है, लेकिन वो चल नहीं देते। ओके, सो सत्य साई मूवमेंट इज लाइक साई ओलंपिक्स, इज लाइक ओलंपिक्स। अभी ओलंपिक्स में सब लोगों को पता है, सब लोगों ने सुना है, लेकिन सब लोगों को इंटरेस्ट नहीं है ओलंपिक्स में भी। आप लोगों को, कितने लोगों को ओलंपिक्स सुना है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है? काफ़ी लोग हैं, यस काफ़ी लोग हैं। वैसे ही पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट नहीं है सत्या होगा कुछ, सत्य साई मिशन मूवमेंट होगा, उनको हम अलग रहते हैं, उनसे हमको कुछ काम नहीं है, काम धाम नहीं है राइट। तो उनको अलग रहते हैं। अभी जिनको इंटरेस्ट है सत्य साई मूवमेंट में, उनमें दो टाइप के लोग हैं। ओके, एक जो लोग हैं जो सिर्फ देखते हैं ओलंपिक्स राइट, और दूसरा ओलंपिक्स करते हैं, करेक्ट। सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही लोग हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ देखते हैं, अरे हाँ सत्य साई बाबा का अच्छा काम चल रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। बर्थडे भजन में आएंगे, शिवरात्रि के भजन में आएंगे, एक स्टेडियम लिया तो पूरा स्टेडियम भर जाएगा राइट, इतने इतने डिवोटीज हैं,
राइट, ऐसी जैसे ओलंपिक्स में पूरा स्टेडियम भरता है लेकिन उन लोगों से ओलंपिक्स का महत्व नहीं है, राइट, तो उनको भी हम दूर रखेंगे, वो चाहिए क्योंकि जब शिवरात्रि भजन होगा तो पूरा हॉल भरना चाहिए, राइट, तो वो भी चाहिए, वो लोग भी चाहिए, व्यूअरशिप इज रिक्वायर्ड, लेकिन उनसे हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको जिनसे इंटरेस्ट है वो जो करते हैं ओलंपिक्स, राइट, द एथलीट्स जो भागते हैं दौड़ते हैं, राइट, एंड दोज पीपल इन द सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन आर द मेंबर्स ऑफ द सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन, जो एथलीट्स हैं, राइट, हमको उनसे दिलचस्पी है, हमको उन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ओके, ठीक है, अभी तक तो ठीक है। अभी ये एथलीट्स में ना तीन टाइप के एथलीट्स हैं जिनसे पूरा सत्य साई मूवमेंट चलता है, वो कौन से तीन टाइप के एथलीट्स हैं? पहले एथलीट्स, इनको स्प्रिंटर्स बोलते हैं, स्प्रिंटर्स मतलब जो आते हैं जल्दी भाग के चले जाते हैं, राइट, आपने ओलंपिक में देखा होगा 100 meters, 200 meters, और वो उनका नाम सबसे बड़ा होता है, उसेन बोल्ट, ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, राइट, लेकिन वो आते हैं और 10 सेकंड में उनका टाइम खत्म हो जाता है, वो चले जाते हैं। सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे लोग हैं जो आएंगे, एक साल काम करेंगे, उसके बाद कभी नहीं दिखेंगे, शिवरात्रि भजन के लिए आएंगे, 4-5 भजन गाएंगे, सॉलिड गाएंगे, बहुत मधुर स्वर में गाएंगे, सब लोग अरे क्या बात है, बंदा अमेजिंग बंदा है, लेकिन उसके बाद गायब, ओके, एक साल के लिए बहुत सारा काम करेगा, ये लोग सब जगह पे रहेंगे, आप नगर संकीर्तन करो रहेंगे, भजन करो रहेंगे, स्टडी सर्कल करो रहेंगे, नारायण सेवा करो रहेंगे, लेकिन एक साल के बाद गायब। फिर कभी आप बर्थडे भजन में उनको देखेंगे, अरे क्या हुआ, तू कहाँ है आजकल? नहीं यार, आजकल बहुत यार टेंशन चल रहा है यार, ऑफिस का काम है, परिवार है, बहुत दूर रहता हूँ मैं, आ नहीं पाता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट, तो ये एक टाइप के लोग हैं। दूसरे टाइप के लोग जो सेकंड कैटेगरी ऑफ अपने एथलीट्स हैं वो है मैराथन रनर्स, ओके, और ये सर जो स्वामी के सामने, ये सब स्वामी के सामने चल रहा है, स्वामी के सामने ये सब वो सर बोल रहे थे तो स्वामी ऑलरेडी हंस रहे हैं, अब थोड़ा सा आंख बंद करके आप सोचिए कि स्वामी कैसे उसका आनंद ले रहे हैं, ओके, और स्वामी फिर सर बोलते हैं, ये सेकेंड टाइप ऑफ रनर्स ये हैं जो सत्य साई मिशन को आगे लेके जाते हैं, मैराथन रनर्स, ये लोग ऐसे हैं कि 10 साल पहले भी थे, आज भी हैं, और आप गारंटी के साथ कहते हैं कि 10 साल के बाद भी वो रहेंगे, जो सत्य साई मिशन को आगे लेके जाते हैं। अभी ये मैराथन रनर्स में भी तीन टाइप के लोग हैं, एक जो है ये ऑन द स्पॉट मैराथन रनर्स है, मतलब जहां पे है वहीं पे मैराथन करने वाले, ओके, मतलब मैं जैसे था 10 साल पहले वैसे ही हूं और 10 साल के बाद भी वैसे ही रहूंगा, कोई प्रगति नहीं, राइट, देयर इज नो प्रोग्रेस, ऐसे ही गाता था अभी तक ऐसे ही गाता हूं और 10 साल के बाद भी ऐसे ही गाऊंगा, राइट, कोई फायदा नहीं है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ओके। सेकेंड टाइप ऑफ रनर्स है, ये है बैकवर्ड मैराथन रनर्स, ये 10 साल पहले जब सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए थे बहुत अच्छे लोग थे, अभी क्या हुआ पता नहीं, ये बैकवर्ड रनिंग मैराथन रनर्स, एंग्री, एंगर, जेलसी, ईगो, प्राइड, जिसके लिए, जिसको निकालने के लिए हम सब सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए, उसको ही हम अभी सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ रहे हैं, जो काम हम बाहर कर सकते थे और जिसको भूलकर हमको यहां पे आना था वो हम कर नहीं पाए, अभी भी हमारे में ईगो है, अभी भी हमारे में जेलसी, ईर्ष्या है, अभिमान है, अहंकार है, मैं ये हूं, ये पोजिशन मेरा है, बैकवर्ड रनिंग मैराथन रनर्स। और थर्ड टाइप ऑफ कैरेक्टर जो एथलीट्स हैं, मैराथन रनर्स हैं, वो फॉरवर्ड रनिंग मैराथन रनर्स हैं, जो आगे भागने वाले मैराथन रनर्स हैं, राइट, वो सिर्फ एक, उनका एंड पॉइंट, उनका गोल्ड मेडल सिर्फ एक है, क्या है, भगवान के साथ मिलन,
राइट, हम सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन हमने क्यों ज्वाइन किया, सिर्फ एक बात के लिए ज्वाइन की और वो था स्वामी के साथ, स्वामी और मैं एक हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, स्वामी ही मैं हूँ। जब तक मुझे वो ध्यान में नहीं आया, मेरी रेस चलती रहती है, मेरी रेस बंद नहीं होती, राइट। द ब्यूटी, मतलब इसकी, इस बात की इतनी सुंदरता है साई ओलंपिक्स की कि ओलंपिक्स में जनरली एक ही गोल्ड मेडलिस्ट होता है, लेकिन हमारे साई ओलंपिक्स में जो जो स्वामी के साथ जिनका मन लगता है वो सब गोल्ड मेडलिस्ट है। नहीं पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे मैं ये कैटेगरीज बोल रहा था, आप सब किसी और के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अरे वो बैकवर्ड रनिंग है, वो बैकवर्ड रनिंग, ये ऑन द स्पॉट है, ये ऑन द स्पॉट, राइट। एग्जैक्टली हमको ये चीज नहीं करनी है, हमको देखना है कि हम क्या है, मैं कौन हूं। मैंने जब सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी तब मैं कैसे था, आज मैं कैसे हूं, क्योंकि ये मेरी रेस है। मुझे बचा के भगवान के साथ वो एक होना है, मिलन होना है, राइट। तो मुझे अपने आप को देखना है कि मैं कैसा हूं। यही बात है ट्रांसफॉर्मेशन, स्वामी को हमसे यही अपेक्षा है, राइट। इसीलिए स्वामी बोलते कि मुझे आपकी भक्ति नहीं चाहिए, मुझे आपका ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, राइट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे, ये फॉरवर्ड, आपको सबको लगता है कि हम फॉरवर्ड रनिंग मैराथन रनर्स बने, यस और नो, है कि नहीं। हमको सिर्फ ये खुद को रोज बोलना है, सुबह उठ के और शाम को सोने के पहले, स्वामी आज मैं आपके पास और एक स्टेप आ गया, रोज एक पग आगे जाए। यही बात हमको रोज अपने आप से पूछनी है। कौन सा भी काम करिए, सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन का काम करिए, नहीं तो कौन सा भी दूसरा काम करिए, लेकिन स्वामी के पास एक स्टेप आगे जाना है, दो स्टेप पीछे नहीं लेना है, नहीं तो फिर हम लोग बैकवर्ड मैराथन रनर्स होते हैं, हमको फॉरवर्ड पहुंचना है, राइट। ये फॉरवर्ड रनिंग मैराथन रनर्स कैसे बने, राइट। अभी सबको लग रहा हो कि हाँ मुझे बनना तो है, लेकिन कैसे हुआ, ये कैसे मैं बनूं फॉरवर्ड रनिंग मैराथन रनर्स। इसके लिए हमको वही एक लाइन, प्रभु प्रेम में जो बलिदान जीवन को किया गया है। हम जो भी काम करते हैं, हम प्रभु प्रेम के लिए कर रहे हैं या किसी और के प्रेम के लिए कर रहे हैं, हम साई ऑर्गेनाइजेशन के प्रेम के लिए कर रहे हैं या प्रभु प्रेम के लिए कर रहे हैं, हम स्टेट प्रेसिडेंट के प्रेम के लिए कर रहे हैं या स्वामी के प्रेम के लिए कर रहे हैं, यही बात पूछनी है। और यही बात एक बार स्वामी ने पूछी थी त्रई वृंदावन में, सब बच्चे थे और सब छात्र, बहुत बार आपने सुना होगा स्वामी वी लव यू स्टूडेंट्स बोलते हैं, तो स्वामी ऐसे ही कोई बच्चे ने लेटर में लिखा था स्वामी आई लव यू, तो स्वामी बोले उस पत्र को पढ़कर, पढ़ने के बाद फिर स्वामी बोले, छात्र लोग तुम स्वामी को प्रेम करते हो या तुम्हें स्वामी अच्छे लगते हैं, डू यू लाइक स्वामी और डू यू लव स्वामी। स्वामी वी लव यू, तो स्वामी से व्हाट इज द डिफरेंस, इसमें अंतर क्या है, स्वामी को चाहना मतलब स्वामी को अच्छे लगते हैं स्वामी, या स्वामी से प्रेम करते हैं, इनमें अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइकिंग एंड लविंग स्वामी। फिर स्वामी ने ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, स्वामी बोले बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि पालतू कुत्ता होता है, उससे आप प्रेम करते हैं या अच्छा लगता है पालतू कुत्ता। ये बहुत बड़ी बात कहती स्वामी ने, स्वामी बोले यू डोंट लव द डॉग, यू लाइक द डॉग, डू यू लव द पेट और डू यू लाइक द पेट, इफ यू लाइक द व्हाट, सो व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, तुमको जब चाहिए तब तुम वो पालतू कुत्ते को बुलाते हो, उसको खाना पीना वगैरह करते हो, फिर जब तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम होता है तुम उसको भेज देते हो, दिन भर तो तुम्हारे साथ वो नहीं रहता, तो दैट इज लाइकिंग, अच्छा लगता है उसके साथ आप खेलते हो, उसके साथ कूदते हो, अपने फ्री टाइम में उसके साथ टाइम पास करते हो, टाइम गुजारते हो, राइट। तो दैट इज लाइकिंग द डॉग, नॉट लविंग द डॉग। और
फिर स्वामी बोले, मेरे बॉयज भी हमारे साथ ऐसे ही करता है। हाँ, स्वामी के साथ अच्छा लगता है, ट्री वृंदावन में बैठो, भजन करो। हमारा बॉयज, स्वामी का स्टाइल था, हमारे बॉयज स्वामी को प्रेम नहीं करते, सिर्फ अच्छे लगते हैं। स्वामी बोले, जिनसे तुम प्रेम करते हो ना, उनकी बात सुनते हो। आप घर में भी देखोगे कि जिनसे हम प्रेम करते हैं ना, उनकी बात हम सुनते हैं और उनको मनाने के लिए और उनको जो अच्छा लगता है वो हम काम करते हैं, राइट। हम अपनी बात नहीं देखते, फिर हमारे बच्चे होते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनकी खुशी के लिए, उनके आनंद के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, राइट। फिर हमको पूछना है हम खुद से कि हम स्वामी को चाहते हैं, मतलब स्वामी अच्छे लगते हैं, या हम स्वामी को प्रेम करते हैं। दैट इज लविंग स्वामी। मुझे बोला गया था कि यू नो व्हाट इज इट टू बी अ साई डिवोटी, साई भक्त होने का मतलब क्या है, इस पर बात करना है। मुझे यही बात आ गई। एक बार स्वामी ने हमारे प्रोफेसर से पूछा था कि सर, सब एमबीए बॉयज जो एमबीए छात्र थे वो समर वेकेशन में फैक्ट्री विजिट, मतलब इंडस्ट्रियल विजिट करने के लिए जाते थे, मतलब अलग अलग कंपनियां वगैरह देखने के लिए कि क्या चलता है उनमें। तो तब हमारे एक सर थे भाग्या सर बोल के, तो वो भी उनके साथ छात्रों के साथ गए थे। तब स्वामी वृंदावन में थे, तो जब वापस आए तब स्वामी ने पूछा कि आज कहाँ पे गए थे। तो बोले स्वामी, हम ऐसे ऐसे जगह पे गए थे, वहाँ पे क्या देखा स्वामी, ऐसा ऐसा कुछ चल रहा था। फिर स्वामी बोले, सडनली स्वामी ने पूछा, उस फैक्ट्री में पार्ट टाइम एम्प्लॉयज कितने थे और फुल टाइम एम्प्लॉयज कितने थे। तो बोले स्वामी, इतने इतने पार्ट टाइम है, इतने इतने फुल टाइम है। फिर स्वामी उनसे पूछने लगे कि पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को क्या मिलता है और फुल टाइम एम्प्लॉयज को क्या मिलता है, उनमें फर्क क्या है। इसे स्वामी, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को जो जितना काम करते हैं उतना ही उनको पगार मिलता है, उतना ही उनको सैलरी मिलती है, और उनको बाकी के जो भी अलाउंसेस हैं वो सब नहीं मिलते। ग्रेचुटी नहीं मिलती, प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता, लीव्स नहीं मिलते, जितने सारे लीव ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलता, बहुत सारे। अच्छा अच्छा, वो फुल टाइम सॉरी फुल टाइम एम्प्लॉयज को सब मिलता है। ओके, फिर स्वामी बोले, अच्छा रिटायर होने के बाद पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को क्या मिलता है और फुल टाइम एम्प्लॉयज को क्या मिलता है। स्वामी, फुल टाइम एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिलता है स्वामी, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को नहीं। स्वामी बोले, मेरे भक्तों में भी ऐसे होता है, मेरे कोई पार्ट टाइम डिवोटीज है, मेरे कोई फुल टाइम डिवोटीज है। पार्ट टाइम डिवोटीज के लिए मैं पार्ट टाइम ही ग्रेस देता हूँ, मेरा पार्ट टाइम ही ग्रेस होता है, उनको बाकी के अलाउंसेस नहीं मिलते, उनको लीव नहीं मिलता, उनको ग्रेचुटी नहीं मिलती, उनको पेंशन नहीं मिलता। स्वामी बोले, इनको पेंशन भी नहीं मिलता, वो रिटायरमेंट के बाद भी उनको काम करना पड़ता है, लेकिन जो फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं उनको सब मिलता है और जरूरत से ज्यादा मिलता है, उनके रिटायरमेंट के बाद भी मैं उनके साथ रहता हूँ। तो हमको खुद को पूछना है कि मैं कौन सा डिवोटी हूँ। फिर भी मतलब ये सोचने के बाद भी किसी और को आप उंगली मत देखें, आपको खुद को देखें कि पार्ट टाइम डिवोटी कौन है और फुल टाइम डिवोटी कौन है और हमको क्या बनना है, राइट। तो हम फुल टाइम डिवोटी कैसे बने, फिर मैं बाद में एक बात फिर से मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि हम फुल टाइम एम्प्लॉयज नहीं तो फॉरवर्ड रनिंग मैराथन रनर्स ये सब कैसे बने। स्वामी ने बहुत सिंपल चीज बताई है हमको, पांच अपने दिमाग में पांच ये वस्तुएं हैं, उतना हम कर सकते हैं तो हम फुल टाइम डिवोटीज हो सकते हैं। सिर्फ पांच हमको ध्यान में रखनी है। व्हाट आर दोस फाइव, ये पांच बातें कौन सी हैं। बहुत सिंपल है याद रखने के लिए, स्वामी ने बोला था कि ये इस पांच तत्वों को आप अपने दिमाग में रखोगे तो आपकी जिंदगी में कभी भी दुख नहीं आएगा। You will always enjoy good health, स्वामी ने बोला, अपना आरोग्य, अपना फिजिकल आरोग्य और मेंटल आरोग्य, शारीरिक आरोग्य और मानसिक आरोग्य दोनों अच्छे रहेंगे। इस पांच बातों को आप ध्यान में रखें तो क्या है, हमको सिर्फ अपने विचार, उच्चार, आचार, आहार, विहार, पांच कौन से, विचार, उच्चार, आचार, आहार, विहार, सिंपल है ना। अब हम थोड़ी देर
इन पे ध्यान देंगे कि ये सब क्या है और हमको स्वामी के जीवन से हम क्या सीख मिलती है। फर्स्ट सिंपल है, विचार उच्चार आचार मतलब थॉट्स वर्ड्स डीड्स। सिंपल थॉट वर्ड डीड हमको सबको पता है। सो विचार उच्चार आचार आहार जो हम खाते हैं और विहार जहां हम रहते हैं उतना हम लोगों ने देख लिया तो हमारी जिंदगी में दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट। तो विचार किस प्रकार के विचार होने चाहिए, हमको स्वामी के जीवन से क्या सीख मिलती है, स्वामी के विचार कैसे थे राइट। हम स्वामी के जैसे बनना चाहते हैं तो उनके जीवन में जैसे उन्होंने जीवन बिताई थी वैसे ही हमको बितानी होगी ना, हमको स्वामी जैसा होना। तो स्वामी के विचार कैसे थे, मुझे अभी तक याद है मैं जब स्वामी इंटरव्यू रूम में जा रहे थे, स्वामी का ऑलमोस्ट उस टाइम वो 75 साल के थे, 75 ईयर्स ओल्ड स्वामी, 75 बर्थडे जिस खत्म हुआ था और उसके बाद स्वामी आए थे। मैं ड्यूटी करा था और सडनली मैंने देखा कि वो कारपेट पे जैसे जा रहे हैं स्वामी अपना ना जो रोब था उसको ऊपर कर रहे हैं और जंप कर रहे हैं, मतलब ऐसा छलांग मार रहे हैं। तो लगा अरे बाप रे क्या हो गया। ओके फिर तुरंत स्वामी ऐसा लोग मुड़ते हैं और बोलते हैं चीमलु मतलब एंड क्या बोलते हैं चीटी चीटियां, स्वामी बोल रहे हैं चीटियां ब्रेकफास्ट इनटू नरक, मतलब वो ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। एक पूरी चीटियों की एक लाइन लगी थी और वो एक जो मरा हुआ जो एक ये था उसको वो उठा के चल रहे थे। स्वामी उनको बोल रहे हैं, उनको देखकर बोल रहे हैं कि चीटियां आ रही है वो अपना ब्रेकफास्ट खा रही है सुबह का। तो हम लोग एक्चुअली तुरंत भागे घड़ी लेके, स्वामी बोले नहीं नहीं खाने दो उनको भी भूख लगती है। ये बात मुझे इतनी अभी तक याद है और मेरे दिलों में ये इतना घर कर गई है कि उस दिन वो चीटी की जो हंगर थी ना उसका जो भूख था वो स्वामी को लगा। चीटियों की भूख के साथ स्वामी का जुड़ गया, क्या भगवान है हमारे राइट। जो स्वामी जब बोलते हैं ना लव इज माई फॉर्म ट्रुथ इज माई ब्रेथ ब्लिस इज माई फूड, आपने सुना होगा ना, माई लाइफ इज माई मैसेज, उसके बाद एक्सपेंशन इज माई लाइफ। उनका लाइफ उनका उनका विचार करने का तरीका इतना विशाल था कि वो चीटियों में भी उनकी भूख भी उनको लगती थी। मुझे और एक बात याद आती है, एक दिन ये हमारे सर ने हमको बोली थी जब वो MBA कर रहे थे तो स्वामी ने उनको त्रय वृंदावन में अंदर लेके आए बुलाया था और उनको टिफिन दे रहे थे, सबको टिफिन बांट रहे थे। तो स्वामी खड़े थे और बाकी के छात्र सब बैठे थे। तो आधा घंटा हो गया स्वामी सर्व कर रहे हैं सबको, इडली दे रहे हैं वड़ा दे रहे हैं, तो मतलब थोड़ा सा ये लग रहा था कि अरे स्वामी खड़े हैं और हम सब बैठे हैं तो सब लोग बैठे, स्वामी आप बैठिए ना आप बैठ के बात कीजिए आप खड़े क्यों हैं। तो आधे घंटे के बाद पौना घंटा एक घंटा स्वामी खड़े रहे और सब बच्चे बैठकर तो सब सबको लगा स्वामी आप प्लीज़ बैठिए स्वामी नहीं तो हम बैठ नहीं सकते तो आप खड़ा रह रहे हैं। स्वामी बोला अरे तुमको पता नहीं है क्या बात है, ये जो स्वामी के कभी भी आप कुर्सी देखेंगे ना तो स्वामी की कुर्सी पे ऐसा छोटा सा एक पिलो रहेगा कुशन का उनके पीठ, तो उस चेयर पे भी एक कुशन था। तो स्वामी बोल रहे हैं वो कुशन के पीछे एक बी है वैस्प वो अपना घर बना रही है, मैं उस पर बैठ गया तो वो टूट जाएगा, वो जो घर बना रही है वो टूट जाएगा इसलिए मैं नहीं बैठ रहा हूं। वो बी उसका घर स्वामी को लगा कि वो मेरा घर है। विशाल दृष्टि, हम क्या सोचते हैं मेरा परिवार फर्स्ट तो मैं फिर मेरा परिवार फिर मेरा समिति फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट नहीं तो मेरा स्टेट सिर्फ दिल्ली नहीं तो भारत। स्वामी क्या सोच रहे क्या और बढ़ाओ, कितना संकुचित भाव रखोगे, अपना विचार विशाल बनाना है सबको साथ लेके जाना है राइट। हमारा ये सत्यसाई ऑर्गेनाइजेशन हमारी ये जो भावना है ये बड़ा करने के लिए हमको यहाँ पे लाई है राइट। हमको आगे जाना है तो बड़ा अपना हृदय बनाना है सबको साथ लेके जाना है राइट। विचार सेकेंड बहुत सारे मतलब ये विचार नहीं इतने सारे हम और भी उसके डेप्थ में जा सकते हैं। और एक बात मैं बताता हूँ विचार के बारे में, स्वामी
कभी भी सकारात्मक भाव, पॉजिटिव थिंकिंग, उन कौन सा भी आप यू नो, मैं हम लोग बोलते थे कि स्वामी कभी कभी अखबार पढ़ते थे, कभी कभी अखबार पढ़ते थे, हम रोज अखबार पढ़ते हैं और अखबार में क्या होता है, फ्रंट पेज पे क्या होता है, जनरली ये मर गया, इधर बॉम्ब फूट गया, ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, सब नेगेटिव 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 नेगेटिव, राइट। पहले 10 पेज में यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल पॉजिटिव मैसेज रहेगा तो अखबार में नहीं छपेगा, क्योंकि अखबार उसके लिए बना नहीं है, अखबार सिर्फ बना है नेगेटिव स्प्रेड करने के लिए। तो लेकिन स्वामी और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब पढ़ते हैं अखबार, अरे क्या बकवास सरकार है, अरे क्या बकवास दिल्ली म्यूनिसिपालिटी है, कॉरपोरेशन है, राइट, हम सब ब्लेम करते हैं, राइट, ये बात नहीं हो रही है, वो बात नहीं हो रही है। लेकिन स्वामी जब पढ़ते थे, स्वामी ने एक बार जब पढ़ा था उसके बाद ग्राम सेवा चालू हुआ था, स्वामी ने पढ़ा था, हम लोगों को सब पता है, राइट, हमने बहुत बार सुना है कि स्वामी ने सिर्फ ये बात पढ़ी थी अखबार में कि एक औरत ने जिसके दो छोटे बच्चे थे, उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा था 10 दिन, इसीलिए उस बच्चों को उसने विष खिला दिया और खुद भी विष पी के मर गई। जब स्वामी ने ये पढ़ा, स्वामी रोने लगे। हमारे भारत में जो पुण्य भूमि है, जो कर्म भूमि है, जो योग भूमि है, जो त्याग भूमि है, ऐसे देश में ऐसा कैसा हो सकता है, जाओ मेरे बच्चों ग्राम सेवा चालू करो, राइट। एक अखबार का एक रिपोर्ट ग्राम सेवा चालू करता है। और एक बार जब स्वामी ने अखबार पढ़ाया था तब ओडिशा में फ्लड आया था, हजारों घरों नष्ट हो गए थे, स्वामी ने ओडिशा हाउसिंग प्रोजेक्ट चालू किया। देखिए अवतार का सोचना कैसा होता है और हमारे विचार कैसे होते हैं, हम सिर्फ प्रॉब्लम को देखते हैं, वो सोल्यूशन को देखते हैं। स्वामी ऑलवेज सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो हमको स्वामी के जीवन से क्या सीख मिलती है कि जब भी हम कुछ हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम आए, हमको उसका सॉल्यूशन देखना है, हमको उसको प्रॉब्लम को नहीं देखना है। तो बहुत एक अच्छी बात है इंग्लिश में, यू नो व्हेन यू हैव अ बिग प्रॉब्लम वी जनरली से ओ गॉड आई हैव अ बिग प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ दैट से ए प्रॉब्लम आई हैव अ बिग गॉड, राइट। लुक एट द प्रॉब्लम इन हिज आईज एंड से ए प्रॉब्लम आई हैव अ बिग गॉड, डोंट से ओ गॉड आई हैव अ बिग प्रॉब्लम। जब स्वामी हमारे साथ है तो हम क्या नहीं अचीव कर सकते, भगवान की शक्ति हमसे दौड़ती है, हमारे अंदर से आती है बात, राइट। तो ये सकारात्मक भाव एक होना चाहिए। तो ऐसा मतलब सिर्फ विचार में ही हम और भी जा सकते हैं। सेकेंड बात लेंगे उच्चार। हमको सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन या साई भक्त होने के हम साई भक्त खुद को कहते हैं, राइट, तो हमको कैसे हमारे उच्चार होने चाहिए। स्वामी हमको कितनी बार बोले हैं कि इफ यू कैन नॉट ओबलाइज स्पीक ओबलाइज, स्पीकिंग ओबलाइजिंग में हमारा कुछ नहीं चला, राइट। हमको इनफैक्ट स्वामी बोला है कि तुमको हर वक्त देने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं देना है तो अच्छे से बोल सकते हो, नहीं होता साईं राम सॉरी आज नहीं हो पाएगा। मैं एक आपको कहानी बोलता हूँ, क्योंकि स्वामी के जीवन में ये सब हमको देखने को मिलते हैं। जब हम भागवत पढ़ते हैं, भागवत मतलब जो भगवान की जो कहानियां हैं उसको भागवत बोलते हैं, तो भगवान की कहानियों से यही हमको सीख मिलती है, राइट। हमारे एक सर थे, मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि वो अभी भी है, वो 1979 फर्स्ट बैच में वो ज्वाइन हुए थे, वो ऐसे ही मतलब दूसरे कॉलेज से, उनको स्वामी के बारे में कुछ पता नहीं था, वो अखबार में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट देखी थी कि एक टीचर की ज़रूरत है, तो उन्होंने एप्लीकेशन किया था और उनका सिलेक्शन हो गया। तो जब वो आए तो वो स्मोकर थे, ओके, सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ज्वाइन किए तब वो स्मोकर थे, चेन स्मोकर थे। तो उनको बोला था कि कॉलेज में तो आपको मना है, आप कर नहीं सकते और आश्रम में भी नहीं कर सकते। तो वो क्या करते थे, गणेश घाट गेट के बिल्कुल बाहर जाके फूंक के वापस आते थे, ओके। तो किसी ने देखा, ऑब्वियसली स्वामी को सब पता है, तो स्वामी ने वो जो प्रिंसिपल थे हमारे कॉलेज के, उनको बोला कि यार थोड़ा बोल दो उसको, क्या स्मोकिंग चल रहा है उसका। तो वो आके बोले थे, वो आके वो सर, हम ये बात हमको वो सर नहीं बोले हैं जो फूंकते थे, उन्होंने ही हमको बोली कि वो आके बहुत प्रिंसिपल ने उनको झाड़ के फेंक दिया था, झाड़ा था उनको,
What nonsense is this? How dare you do this? ऐसा वो ये सर भी मतलब वो गुंडूर से थे ओके उनको लग रहा था कि ये मतलब गुंडूर के बारे में काफी मतलब उनमें काफी गुरूर मतलब चिली खाते हैं ज्यादा मिर्च खाते हैं तो उसके वजह से कभी उनका ये अनिल कुमार सर बोलते रहते हैं मैं ये पहली बार नहीं बोल रहा उन्होंने ये बात बोली है ओके उनका कभी भी ना रक्त से खोलते रहते क्योंकि इतना मिर्च है ना अंदर तो वो ये सर भी उनको बोले थे सर आई एम नॉट टेकिंग योर मनी एंड स्मोकिंग आई एम टेकिंग माय ओन मनी व्हाट आई डू विद माय सैलरी इज माय बिजनेस नॉट योर बिजनेस वापस उनको दे दिया था तो ये प्रिंसिपल अरे बाप रे ये तो मेरे डिपार्टमेंट मतलब मेरे लेवल का नहीं है मैं उनको नहीं बोल सकता फिर एक दिन 5 बजे सुबह उनके दरवाजे पे अंदर आश्रम में उनके दरवाजे पे एक टक 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 आ गया तो उन्होंने खोला तो स्वामी कारुण्यानंद बाहर खड़े थे स्वामी कारुण्यानंद जी स्वामी शिवानंद के शिष्य थे और मतलब 1980s में बहुत बार आपने देखा होगा फोटोज में वो स्वामी के साथ जाते थे 1975 1980 85 60th बर्थडे में एक यू नो एक बर्ड आपको देखेंगे स्वामी जी जो स्वामी के पीछे ऐसा छाता लेके खड़े थे वो स्वामी कारण वो बाहर खड़े थे यस सर स्वामी जी यस सर सी आई हैव बीन सेंट हियर टू टेल यू दैट यू बेटर नॉट स्मोक स्वामी कारणानंद उनको बोल रहे हैं ओके और उनका बोलने का स्टाइल थोड़ा अलग था वो झाड़ के एक दिन उनको प्रिंसिपल ये थोड़ा आराम से बोल रहे हैं ऐसा मत करो नहीं तो तू ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं आगे तो वो भी बोले कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ आप बोलिए मुझे मैं आश्रम में फूंक रहा हूँ क्या नहीं मैं कॉलेज में फूंक रहा हूँ क्या नहीं राइट मैं जो बाहर करता हूँ मैं जो रोड पे पुट्टपर्ती में जो करता हूँ उससे आपको क्या मतलब है ऐसा बोल दे तो कारुण्यानंद जी वापस आ गए तो ये सर बोल रहे थे एक दिन वो मंदिर में बैठे थे ओके स्वामी उनके पास आते हैं ओके और वो मतलब उनको स्वामी बिल्कुल वो स्वामी को जानते ही नहीं थे राइट तो स्वामी उनको पूछ के उनको उनके पास आके बोलते हैं ये सर येला उन्नारु मीरू मतलब उनको ये देखे क्या सर आप कैसे हो तो पहली बार स्वामी उनसे बात कर रहे हैं तो ये भी हाँ स्वामी नहीं बाबू नानू स्वामी मैं अच्छा हूँ आप कैसे हो स्वामी को वापस पूछ रहे ओके और वो खड़े हो गए थे बिकॉज स्वामी भी खड़े थे तो स्वामी ना वो उनके सामने ऐसा खड़ा रह गया और उन स्वामी ने उनके ना हाथों के कंधे पे हाथ रखे उनको बोलते हैं स्वामी देखो तुम्हारे लिए धूम्रपान अच्छा नहीं है तुम्हारी सेहत के लिए और भी स्वामी बोले थे तुम्हारे फादर के साथ क्या हुआ तुम्हारे ब्रदर के साथ क्या हुआ उनके फादर को लंग कैंसर हुआ था ओके बिकॉज ऑफ स्मोकिंग मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मत करो सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन का मालक है एक मिनट के लिए हम थोड़ा भूल जाएं कि वो भगवान है जस्ट एक मिनट आप सोचिए कि ये सब ऑर्गेनाइजेशन उनका है वो मालक है ही इज द सीईओ एमडी चेयरमैन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन सच अ पर्सन कम्स एंड सेज पोलाइटली मैं तुम्हारे बच्चे के लिए बोल रहा हूँ ये मेरा रोल है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ये रूल्स किसके लिए बनाए हैं हमारे अच्छे के लिए बनाए हैं ये सच कि ये ऐसा मत करो स्वामी को कुछ नहीं होने वाला उससे राइट स्वामी आके उनको बोलते हैं तो वो सर हमको बोल रहे थे कि वो सुनने के बाद मतलब स्वामी उनको एक्चुअली स्वामी उनके लिए भगवान भी नहीं थे उस टाइम उनके लिए जिस कॉलेज में वो काम करते हैं उस कॉलेज को जो 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 फाउंडर है वो ये सत्य साई बाबा है ये सत्य साई बाबा का कॉलेज है वो सर के लिए सत्य साई बाबा वाज द फाउंडर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी राइट लेकिन जैसे उनको इतनी मधुर एकदम स्वामी का इतना स्वीट आके स्वामी बोलते हैं कि आप ही के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा मत करो उस दिन से उन्होंने धूम्रपान छोड़ दिया ये भी मुझे पता नहीं कि मैंने कैसे छोड़ दिया क्योंकि जो विड्रॉल सिम्टम्स रहते हैं ना वो भी उनको कभी नहीं आए क्यों स्वामी ने बहुत सालों के बाद उसको बोला
नो वो विड्रॉल सिम्स मैंने अपने आप ऊपर ले लिए। एक उनके इंटरव्यू में स्वामी को अस्थमा आ गया, फिर स्वामी ने बोला कि मैंने तुम्हारा अस्थमा ले लिया। हमारे उच्चार ऐसे होने चाहिए पोलाइटली। सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन, हम स्वामी के भक्त, प्रकट सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन, हम स्वामी के बंदे हैं, स्वामी के बंदों को ऐसे उच्चार करनी चाहिए। नेक्स्ट लेट अस गो टू आचार। तो विचार हो गया, उच्चार हो गया, अभी आचार। हमारा आचार कैसा होना चाहिए ये भी बात हम स्वामी के जीवन से समझ सकते हैं। स्वामी ने सबसे बड़ा जो अनंतपुर का वाटर प्रोजेक्ट था वो बनाया था, लार्जेस्ट, इट वाज वन ऑफ द कंट्री लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ दैट काइंड टेकन अप बाय एनजीओ। सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन हमारे एनजीओ है, एनजीओ का सबसे बड़ा काम था। तो खत्म होने के बाद 700 गांवों को पानी पहुंचाना, जो कभी 50 साल में नहीं हुआ था, वो स्वामी ने करके दिखाया था। तो सब जो इसके 700 गांवों के लोग पुट्टपर्ती आए थे, ओके, कि स्वामी धन्यवाद, स्वामी आपने हमारे लिए पानी पहुंचाया। तो जैसे वो बैठे थे, स्वामी उनके पास गए और सब लोग उठ के स्वामी को बोले, स्वामी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें पानी दिया। स्वामी उनको वापस क्या बोलते पता है, आपको धन्यवाद बोलने की ज़रूरत नहीं, मुझे आपको धन्यवाद बोलना है, क्योंकि आपकी वजह से मुझे ये अवसर मिला आपकी सेवा करने के लिए। इसमें ना बहुत छोटी छोटी बातें हमको सिर्फ इस एक इसमें जो स्वामी गुरु की मुझे आपने अवसर दिया। सी, हम जब सेवा करते हैं, हम जब कार्य करते हैं, जब कर्म करते हैं, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन में हम जब नारायण सेवा करते हैं, इस नारायण सेवा में स्वामी ने बोला है कि चार लेवल्स हैं। पहले लेवल, पहला जो लेवल है कि अरे बेचारा बंदा, मैं उसके लिए कुछ काम कर रहा हूँ, मैं उसका उसको खाना दे रहा हूँ, ये तो फर्स्ट लेवल हो गया, राइट। इस फर्स्ट लेवल में क्या होता है, मैं दाता हूँ और वो ले रहा है, कोई दे रहा है कोई ले रहा है, राइट। और मुझे मेरा जो एटीट्यूड क्या है मेरे दिमाग में, अरे बेचारा, राइट। उसके बाद क्या होता है, नारायण सेवा हो जाती है, हमारे बहुत सारे फोटो खींचते हैं, उससे वीडियोस बहुत बनते हैं, व्हाट्सएप को व्हाट्सएप में सबको समझ में आता है कि मैंने नारायण सेवा की। एक्चुअली वही मोस्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, सिर्फ मैंने सेवा की ये इम्पोर्टेंट बात नहीं, सबने देखना चाहिए कि मैंने सेवा की। लेकिन ये तो सिर्फ फर्स्ट लेवल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन और अ साई डिवोटी एंड एनी अदर पर्सन, दैट स्टार्ट्स ऑन द सेकेंड लेवल, राइट। व्हाट इज द सेकेंड लेवल, इन द फर्स्ट लेवल एक रिसीवर है, एक गिवर है। सेकेंड लेवल में मैं सिर्फ देता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं और भी कुछ करता हूँ, मतलब मैं जाके उनसे बात भी करता हूँ प्रेम से कि आप कैसे हो। उन्होंने अपने हॉस्पिटल में या नहीं तो हमारे जहाँ कभी भी हम जाके सेवा करते हैं, वो सेवा क्षेत्र में सिर्फ देना इज नॉट बिग। उनके साथ मुझे ये बहुत मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। स्वामी ग्राम सेवा करते थे हर साल, राइट। हम छात्रों को गांव में भेज के प्रसादम और धोतियाँ और साड़ियाँ हम लोग सब बांटते थे। तो मैं तो फर्स्ट ग्राम सेवा से मैंने ग्राम सेवा में मतलब काम किया है, बड़ी बात नहीं है, मैं बोलता हूँ क्यों। तो जैसे मतलब 5-6 साल हो गए, मुझे लगने लगा यार क्या चल रहा है। और एक्चुअली मैं उसके बाद में ग्रुप लीडर हो गया। तो पहले तो फर्स्ट ईयर में मैं स्टूडेंट था, फिर 5-6 साल के बाद काफ़ी एक्सपीरियंस था, तो मुझे ग्रुप लीडर बनाया ना कि तू इस ग्रुप का लीडर है। तो मेरा काम क्या था, मेरा काम प्रसाद देने के पहले ना, उस जो प्रसाद देने वाला है वो गांव मतलब जो औरत है या आदमी है उससे जाके पूछना है कि कितने आदमी हैं, कितने लोग हैं, ओके। तो वो बोलेगा छोटे से अपने उसका छोटा सा घर रहेगा, वो बोलेगा 15। वो 15 लोग उस घर में खड़े भी नहीं रह सकते, ओके, और वो बोलेगा 15। तो फिर अभी ऐसे सब लोग 15-15 बोलेंगे तो हमारा प्रसाद उतना नहीं है, राइट। तो मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा, मैं अंदर कहा कि नहीं 15 नहीं है, सिर्फ 4 लोग हैं, फिर वो बोलेगा क्या सर तुम क्या है, झगड़ा होता था, राइट। तो प्रसाद देने के पहले मेरा और उसका
झगड़ा होता था नेगोशिएट कर करते ओके अच्छा अच्छा सात दे दो नहीं नहीं फिर पाँच दूंगा नहीं सर छः दे दो सर साढ़े छः मतलब जैसे हम जाके अपने चांदनी चौक में जाके ये करते हैं नेगोशिएट करते हैं वैसा अपना मेरा होता था। एक दो साल ऐसा बीत गया और हमने जब वापस आता था ऐसा मेरा सर दर्द सही में भी होता था मतलब लिटरली एंड फिगरेटिवली मेरा क्या मैं स्वामी से मुझे शाम को आके हम दसरा के जो प्रोग्राम होता था फिर स्वामी का डिस्कोर्स होता था मैं सुनता था लेकिन मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं होता था स्वामी आप क्या करवा रहे हैं मुझसे कोई इंटरेस्ट नहीं है स्वामी मैं जाके मुझे इतना भी आनंद नहीं आया है आनंद छोड़ो मैं जाके झगड़ के आ रहा हूँ वापस राइट मैं क्या सेवा कर रहा हूँ राइट वो भी खुश नहीं है मैं भी खुश नहीं हूँ राइट जो लेने वाला है वो तो एटलीस्ट खुश रहना चाहिए चलो ठीक है मैं खुश नहीं हूँ तो एटलीस्ट वो भी खुश नहीं है वो भी मेरे साथ झगड़ रहा मैं भी उसके साथ झगड़ रहा तो मैंने डिसाइड किया कि यार मैं नेक्स्ट ईयर ग्राम सभा में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा किसको जाना है ऐसा सेवा में तो नेक्स्ट ईयर मैंने बंक कर दिया मैं गया ही नहीं और एक साल के बाद जब और एक साल मतलब दो साल के बाद मैं जब ग्राम सेवा आई तो हमारे जो सर थे वो बोलते ये तुम पिछले साल आया नहीं था देखा हूँ इस साल तुझे जाना पड़ेगा अरे यार क्या ठीक है चलो तो हमारा ग्राम सेवा में एक स्टॉक व्हीकल रहता है स्टॉक व्हीकल मतलब हम लोग मेन रोड पे ही रहेंगे स्टॉक लेके और जो लोग अंदर गांव में जाएंगे उनको हमको रिप्लेनिश करना है मतलब उनका स्टॉक खत्म हो गया तो हमको उनको देना है तो हम डायरेक्टली कुछ नहीं देते हम जो हमारे बच्चे हैं उनको देते हैं तो मैं बोला मैं स्टॉक व्हीकल में जाऊँगा एटलीस्ट मुझे ये गांव में जाके उनको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी राइट तो मैं स्टॉक व्हीकल में मेरे दो तीन दिन गए मैं अपनी बात बोल रहा हूँ और हमारे स्टॉक व्हीकल का एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि सब लोगों का जो एडिशनल स्टॉक है वो उनका काम खत्म होने के बाद उनका सेवा खत्म होने के बाद वो एडिशनल स्टॉक हमारे स्टॉक व्हीकल में डालेंगे और वो वापस कर दी जाएंगे हम जो एडिशनल स्टॉक है जो रास्ते पे जो भी आएगा वो उनको दे देंगे क्योंकि वो जो पोलियोग्राम का जो पैकेट रहता है पुलाव जो भी है वो नहीं तो खराब हो जाएगा तो अगले दिन हम उसको नहीं ले सकते उसी दिन उसको खत्म करना है तो काफ़ी सारे लोग वो घर भी नहीं रहेंगे वो अपने खेतों में काम करेंगे राइट तो हम जो जब मेन रोड से आते हैं तो हम रुक 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 के सबको बांट के आते हैं तो बोला वो ठीक है सिर्फ यही देना है प्रसाद ही देना है तो हम लोग मैं एक दिन वापस आया था और आपने मामिल कुंटा क्रॉस सुना है मतलब अपना रेलवे स्टेशन है कुट्टपर्ती का रेलवे स्टेशन उस क्रॉस पे हम खड़े थे और सब बांट रहे थे तो जैसे ही बांटना चालू हो रहे सब आके बोले धोती धोती सारी सारी यू नो सब चल रहा है एक आदमी आके मेरा धोती नहीं मेरा कुर्ता ऐसा ये कर रहा है कि एक मिनट तो मैं उसको बोला मैं कुछ भी नहीं यहाँ पे और कितना लेगा उसके पास ऑलरेडी मैंने प्रसाद दे दिया था तो मैं उसको चिल्ला रहा हूँ तो बोल रहे नहीं सर मुझे प्रसाद नहीं चाहिए मुझे बात करनी है आपके साथ क्या बात करनी है क्या धोती वगैरह कुछ नहीं मिलेगा नहीं सर वो नहीं चाहिए मुझे आपके साथ बात करनी है माटला डाली तेलुगु में बोल रहा है तू क्या बात करेगा मुझसे ठीक है मैं उतर गया रास्ते से सर दो मिनट इधर आई मुझे लगा मेरी लगने वाली है किसी साल में मैंने उसको बहुत मारा होता था ये ध्यान में रखकर उसने बोला तू आ बंदा आ नीचे आ तो मैं थोड़ा सा बगल में चला गया और वो आदमी भिखारी था मतलब उनका उसका वो किसी गांव से नहीं था वो मुझे बोलता है आप ऐसा सेवा करते हो 10 दिन के लिए मेरे आंखों से आंसू आते हैं क्या हुआ सर मैं भिखारी हूँ पूरा साल भर मुझे किसी से भीख मांगना पड़ता है और मुझे बहुत ये लगता मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन इस 10 दिन के लिए जब भगवान मेरे लिए प्रसाद भेजते हैं तो मुझे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप मुझे डायरेक्टली आके मुझे खाना देते हो तो इस 10 दिन के लिए मेरा सर ऊपर होता है क्योंकि मुझे किसी से भीख मांगना नहीं क्योंकि अभी तक ये बात मेरे दिमाग में इतनी चली गई कि ये सिखाने के लिए स्वामी ग्राम से बचा अरे तू कौन देने वाला है भाई मैं देता हूं उनको तू सिर्फ मेरा प्रसाद लेके उनको दे रहा है तू क्या बड़ा काम कर रहा है राइट हम किसकी सेवा करते हैं हम उनका प्रसाद लेके उनके बंदों को दे रहे हैं
when he told me, you know, in Telugu, he says, in English, I will I am keeping my head high for 10 days. मैं 10 दिनों के लिए अपना सर ऊपर रख के बोल सकता हूँ कि इस 10 दिन के लिए मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, मेरे भगवान मेरे लिए खाना परोसेंगे। ये अनुभव मुझे आता है, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। वो मुझसे बोलता है, बस उतना ही बोलना था। उस दिन मैं इतना रोया, वापस आए स्वामी को मैंने देखा, बोला स्वामी इसके लिए हमको ग्राम सेवा करने के लिए भेजते हो ना, ये अनुभव करने के लिए। अभी कौन दाता है और कौन लेता है, हम देता है या वो देता है, राइट? दिस इज सेकंड लेवल, ये भी सिर्फ सेकंड लेवल है। और सेवा, पहला तो आप देते हो, कोई लेता है। सेकंड लेवल में हम और क्या दे सकते हैं उनको, स्वामी बोलते हैं थर्ड लेवल में वही लेता है और वही खाता है। स्वामी ही ले रहे हैं और स्वामी ही खा रहे हैं, हमको ऐसा क्यों लगता है? इसीलिए इसका नाम बोला है नारायण सेवा। हम नारायण की सेवा कर रहे हैं, राइट? हम नारायण सेवा बोलते हैं लेकिन हमको लगता नहीं है कि वो नारायण है, राइट? हमको ये नहीं लगेगा कि वो नारायण है तो हम कैसे कर पा सकते हैं नारायण सेवा? हमको उसको बोलना ही नहीं है कि वो नारायण सेवा है, वो मानव सेवा है, राइट? हम नारायण को कैसे सर्व करेंगे? हमारे घर पे नारायण खुद आएंगे तो हम उनको कैसे खाना परोसेंगे? वैसा खाना परोसना है सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन को। हमको एक एक आदमी को जैसे स्वामी हमारे घर आ रहे हैं, हम उनको कैसे देंगे? इसीलिए स्वामी बोलते हैं मुझे नंबर की जरूरत नहीं है। आप किस भावना से दे रहे हो, आप किस भावना से वो सेवा कर रहे हो, वो मुझे चाहिए। मैं कल भी बोलता था अपने भजन भाइयों को और बहनों को कि जब हम ऊपर जाएंगे, हमारे काम खत्म होने के बाद, हमारा जीवन खत्म होने के जब ऊपर जाएंगे, तब हम बोलेंगे नहीं, स्वामी ने पूछेंगे अरे तो कितना भजन गाया और कितना कॉम्प्लिकेटेड भजन गाया था, है कि नहीं? सिमिलरली सेवा में भी ना, स्वामी हमको नहीं पूछेंगे कि कितनी लोगों की सेवा की तुमने, तुमने किस भाव से सेवा की, वो मुझे देखना है। ये हमारा आचार नहीं है, क्योंकि इसी आचार से स्वामी ने अपनी सेवा की थी। मुझे एक बात याद आती है, 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, स्वराज्य मिला था। उस टाइम जो हमको स्वराज्य मिल गया था, लेकिन हमारा देश इतना बटा हुआ था, करीब करीब 300 राज्य थे, क्योंकि उस टाइम में कि सब यू नो राजा महाराजा के उनके खुद के छोटे छोटे यू नो राज्य थे, तो उनको सब एक करने का था भारत, मतलब इंडिया के इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जैसे ये यू नो ये बिल तैयार हुआ कि यू नो सबको एकत्रित होना है, जो महाराजा राजा हैं उनको अपना देना पड़ेगा, जो भी राज्य है देना पड़ेगा, राइट? ऐसा आया था। तो बहुत सारे महाराजा स्वामी के भक्त थे, वो सब उत्तरवर्ती भाग के आए, स्वामी हमारा पूरा राज ले रहे हैं वो, सब छीन के, यू नो राजा चिंचोली वेंकटगिरी राजा, बहुत सारे राजा स्वामी के पास आए थे 1947 के बाद 48-49 में, ओके कि स्वामी हमको प्लीज बचाइए, हमारा राज्य बचाइए, ओके हम आपको कुछ दे देंगे कमीशन में, ऐसा उनको लग रहा था। तो स्वामी बोले डोंट वरी, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम एक स्वामी आप यहीं पे रहो दो तीन दिन के लिए। तो सब राजा ऑलमोस्ट 10-12 राजा आए थे स्वामी के पास, तो सब राजाओं को लगा कि अरे अभी कुछ नहीं होगा, अभी भगवान हमारे साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। तो उनको लगा कि बड़ी सी बड़ी पार्टी हम सबको दे देंगे। तो स्वामी को नारायण सेवा पसंद है उस टाइम से, तो उन्होंने लगा कि सबके लिए खाना, ओके? तो ये सब राजाओं ने बड़ा महानारायण सेवा अरेंज किया था। जो पहला पंडाल था, जो पहला था, उसमें स्वामी और बाकी ये सब राजा हैं वो बैठने वाले थे, और बाकी का मतलब जो ओपन जगह था वहां पे बाकी के लोग बैठने वाले थे। लेकिन कुछ मतलब स्वामी भी मंदिर में थे और ये सब राजा स्वामी के साथ थे, सब लोग बैठने लगे वहां पे जो मैदान था, और मतलब प्रॉपरली अरेंज नहीं किया था। जब तक स्वामी और राजा वहां पे पहुंचे,
तब तक जो जहां स्वामी बैठने वाले थे और राजा बैठने वाले थे वहां ऑलरेडी बाकी के लोग आके बैठ गए थे। ओके मतलब सब दीन दुखी जो लोग थे वो सब आके बैठे थे। उनको कैसे उठाए, अरे ये स्वामी की जगह है, ये सब राजाओं की जगह है। ओके तो सब लोगों को बोला कि यार उठाओ सब लोगों को, यार ये हमारी जगह है। स्वामी उनको जाकर नहीं 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 आप अभी उनको सर्व करो, उनकी सेवा करो। सब राजाओं के हाथ में स्वामी ने सांबर राइस रसम दिया था और बोले उनका सब सेवा करो। और उस दिन सब राजाओं ने मामूली लोगों की सेवा की थी और स्वामी भी उठा रहे थे और स्वामी भी सर्व कर रहे थे। ओके खत्म होने के बाद स्वामी बोले आज से यही है काम तुम्हारा, तुमको लोगों की सेवा करनी है अपना राज्य दे दो। ओके मैं तुम्हारी आई विल लुक आफ्टर यू, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम मुझे विश्वास रखते हो ना, तुमको कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अपना राज्य दे दो। ये किसी को पता नहीं है कि स्वामी ने बहुत सारे राजाओं को बोला था कि गो ज्वाइन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ओके ये दिस इज द काइंड ऑफ नारायण सेवा दैट स्वामी एक्सपेक्ट्स, ऐसी वाली सेवा स्वामी से स्वामी हमसे चाहते हैं, ऐसा वाला आचार कि हम सब में स्वामी को देखें। राइट तो विचार हो गया, उच्चार हो गया, आचार हो गया। अब आहार, आहार मतलब जो हम खाते हैं। नो स्वामी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, एक हमारे भैया थे वो हमसे अभी एक महीने पहले बोल रहे थे, स्वामी उनसे पूछे हैं कभी आपने, स्वामी पूछ रहे हैं कि कभी आप तुमने सोचा है कि मैंने तुमको कान दिए हैं, नाक दिए, आँख दिए हैं और मुँह दिया है, नाक और कान के लिए मैंने फ्लैप्स नहीं बंद करने के सिस्टम दिया है, सिर्फ आंख और मुंह के लिए बंद करने का सिस्टम दिया है। राइट हम कान मतलब आपको हमारे हाथ लेके हमको बंद करना पड़ता है ना, हमारा फ्लैप्स ये फ्लैप सिस्टम नहीं है। स्वामी ने बोला क्यों पता है, क्योंकि जो हम यहां से और यहां से लेते हैं ना वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है, मुझे वो भी पता है, फिर भी मैं यहां पर जो भी मैं बात करूंगा ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। अरे स्वामी खुद ने 3000 डिस्कोर्सेस दिए हैं, वही हम ध्यान में नहीं रखते। लेकिन जो हम आंखों से लेते हैं वो काफी देर तक हमारे दिमाग में रहता है, इसीलिए स्वामी बोलते हैं कि इसीलिए मैंने तुमको शटर सिस्टम दिया है कि सिर्फ अच्छा देखो बुरा मत देखो, और इस मुंह के लिए भी मैंने शटर सिस्टम दिया है क्योंकि ये मुंह दो काम करता है, एक जो काम है वो खाने का काम और दूसरा बोलने का काम। और फिर स्वामी बोले कि ये हमारी जीभ है ना उसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो दूसरों सेंसेस में नहीं है, क्या है वो, सिर्फ ये एक ही हमारा अंग है जो सच्चा को बुरा दिखा सकता है और बुरे को सच्चा दिखा सकता है। इट कैन चेंज ट्रूथ इनटू अनट्रूथ्स एंड अनट्रूथ इनटू ट्रूथ्स, ओनली टंग कैन डू दैट। दैट इज व्हाई स्वामी सेड माया प्लेज ऑन द टंग ऑफ मैन, माया जो है वो नृत्य करती है मानव के जीव पे। और स्वामी ने बोला कि यही नर्तकी है जो जीव पे बैठ के नृत्य करती है, इसका भाव निकालने के लिए ना इस नर्तकी का भाव निकालने के लिए उल्टा करो कीर्तना हो जाता है, नर्तकी का उल्टा कीर्तना है, इस नर्तकी का भाव उठाने के लिए कीर्तना करना है। इसीलिए हमको सिर्फ स्वामी बोल सकते हैं, और कौन बोल सकता है ऐसे इतनी सुंदर बात। तो ये आहार है ना ये सिर्फ हम जो खाते हैं वो नहीं है, हम अपने पूरी जो ये हमारे जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय हैं जो हम लेते हैं अंदर वो सब आहार है। और स्वामी ऑलवेज पॉजिटिव थे, मतलब कभी भी नेगेटिव बात वो सुनते ही नहीं थे, मुझे आप नेगेटिव बात बोलो ही मत। राइट इवन मुझे अभी तक याद है हमारे हॉस्टल में कभी पिक्चर वगैरह हम लोग देखते नहीं थे, हम लोग मतलब सब बड़े भैया हैं यहाँ पे उनके टाइम से भी कभी पिक्चर नहीं होते थे, तो सबको लगता था यार थोड़ा तो कुछ मनोरंजन होना चाहिए, तो सब जाके स्वामी से पूछे स्वामी कुछ पिक्चर देखें, स्वामी कभी तो सिर्फ भजन कर रहे हैं हम लोग।
तो स्वामी बोली हाँ बहुत बड़ी अच्छी बात है, भक्त प्रहलाद लेके आओ, मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के देखता हूँ। तो स्वामी आते थे राइट भैया, 1990s में स्वामी आके हमारे साथ पिक्चर देखते थे। हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चरें देखी हैं स्वामी के साथ, भक्त प्रहलाद, भक्त तुकाराम, राइट। और फिर यू नो काफ़ी महीनों के बाद ऐसा लगता था कि भक्त तुकाराम किधर देखेंगे, थोड़ी राइट। तो सब वार्डन सर बोले स्वामी बच्चों को कुछ दूसरा कुछ दिखा सकते हैं। तब स्वामी ने एक बात बोली थी, कुछ भी दिखाओ लेकिन ये एक बात मन में रखो, जो भी तुम दिखाते हो वो देखने के बाद हमारा भाव यहाँ है या नीचे ऊपर जाता है या नीचे आता है। शो दैट एंटरटेनमेंट दैट विल एलिवेट, इज द एंटरटेनमेंट एलिवेटिंग और नॉट, उतना आप सोचो कि ये देखने के बाद मेरा भाव ऊपर जाता है या नीचे आता है। जो मेरा भाव ऊपर लेके जाएगा वो अच्छा एंटरटेनमेंट। तो ये एंटरटेनमेंट क्या है, ये जो आहार है ये क्या है, हमको ऑल द टाइम ध्यान में रखना है कि कौन से टाइप का हम आहार ले रहे हैं। जिस आहार से मैं भगवान मतलब लेने के बाद मैं भगवान से दूर होता हूँ वो मेरे लिए अच्छा हो ही नहीं सकता। जिस आहार में लेने के बाद मैं भगवान के नजदीक जा सकता हूँ वो अच्छा आहार है। सिंपल थंब रूल, खाने के बाद मैं जब ध्यान करने के लिए बैठता हूँ तो मैं सोता हूँ या मैं जगता हूँ, राइट। जो मतलब खाना एंड स्वामी मेंशनिंग ऑन करने के लिए ओके, हमारे आंख हमारे सब राइट। सो दैट इज द काइंड ऑफ आहार दैट वी हैव टू हैव। एंड लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट इज विहार, और विहार मतलब जो दुर्गा का रहने की जगह है। और मुझे यही बात लगती है कि अब बोलेंगे कि वो अच्छा मतलब पूजा अच्छा रखना, पूजा जहाँ हमारा पूजा रूम रहता है उसको अच्छा रखना है, नहीं वो नहीं है। कौन सा भगवान का पूजा रूम है, हमारा दिल हृदय है। मैं यही सोचता हूँ कि 24 अप्रैल 2011 के बाद एक ही बात बदली, 24 अप्रैल 2011 हम सब जानते हैं क्या हुआ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सिर्फ एक ही बात बदली, स्वामी यजुर् मंदिरम से लेके अपने हृदय मंदिरम में चले गए, बस इतनी बात। उनका सिर्फ एड्रेस बदल गया, यू नो गुड़गांव से नोएडा, ये जो मंदिर है हृदय मंदिर, अभी ये उनका निवास स्थान है, इसको अच्छा करना है। और ये मैं इसका भी बहुत ये हमारा दिल क्यों उनका निवास स्थान है उसकी बहुत बड़ी मैं स्वामी ने बोला था, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं है तो मैंने वो बात नहीं बोलूंगा, नहीं मैं कुछ बात के लिए रखता हूँ नहीं ऐसे नहीं मैं बोलता हूँ। एक दिन एक भक्त आए थे और स्वामी को बोले, वो अमेरिका से थे, तो बोले स्वामी अब हम वापस जा रहे हैं, स्वामी हम यहाँ पे आते हैं रिचार्ज होके चले जाते हैं लेकिन हमारा पूरा चार्ज खत्म हो जाता है, स्वामी ये सब यू नो आपके छात्र सदैव आपके अगल बगल में रहते हैं, कितना लकी है स्वामी, यू नो सब लोग बोलते हैं यार तुम लोग कितना लकी हो, तो हम ये आपको कैसे मतलब वहाँ पे दूर रहकर भी हम आपसे कैसे आप हमारी तार जुड़ते जुड़ी जुड़नी चाहिए, ऐसा स्वामी ने उन्होंने स्वामी से पूछा। तो स्वामी उनको बोलते हैं आप कभी स्वामी ने एकदम टॉपिक ही बदल दिया, ए तू कभी डैम गया है, डैम कभी देखा है, डैम पता है ना क्या बोलते हैं हिंदी में, बांध कभी बांध देखा है, हाँ स्वामी देखा है, मैंने क्या पूछा था स्वामी क्या भूल गए तो हाँ स्वामी बांध देखा है, तो बांध में क्या होता है, स्वामी वो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, तो स्वामी बोले कौन सी कैसी इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, जैसे स्वामी बड़ी वोल्टेज वाली होती है, तो इसे वो लेकिन वो जो वहाँ पे तैयार होती है वो उसके उससे क्या होता है, जैसे स्वामी वो दूर दूर तक जो लोग रहते हैं उनके घरों में पहुँचते हैं, कैसे पहुँचती है, वो वायर द्वारा पहुँचती है। अच्छा तो जो लोग दूर तक रहते हैं वो भी अच्छा उसका फायदा ले सकते हैं क्या, हाँ स्वामी बिल्कुल ले सकते हैं स्वामी ओके। तो अभी इस दौरान जब तक वो बांध से लेकर अपने घर में पहुंच रही है कुछ होता है, हाँ स्वामी वो ट्रांसमिशन लॉस होता है स्वामी,
काफी सारा मतलब जो हमको 220 वोल्ट्स यहाँ पे चाहिए ना, तो 220 वोल्ट्स नहीं होता है, जब तक पहुँचता है वो साधारण कम होता है, तो इसीलिए हमको सबस्टेशन वहाँ पे देते हैं, वो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको स्टेप अप करते हैं, स्टेप अप स्टेशन थोड़ा सा अच्छा मतलब 220 वोल्ट्स अपने घर में लेके आ सकते हैं। अच्छा स्वामी बोले ठीक है, फिर स्वामी बोलते हैं अच्छा जो लोग डैम पे रहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं स्वामी वो इस्तेमाल करेंगे पूरे सब जल जाएगा स्वामी, सर अप्लायंसेस जल जाएंगे क्योंकि वहां पे 220 वोल्ट नहीं उसकी उत्पत्ति 220 वोल्ट नहीं होती, वो हजारों मेगावाट्स की होती है क्योंकि वो दूर दूर तक उसको जाना पड़ता है। अच्छा तो वहां पे क्या करना पड़ता है स्वामी? वहां पे स्टेप डाउन करना पड़ता है, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करना, तो जो दूर है उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जरूरत है और जो नजदीक है उनको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जरूरत है, राइट? स्वामी की ये उदाहरण है, तो स्वामी बोले बस यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, जो दूर जाते हैं ना उनको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जरूरत है और जो यहाँ पे है मेरे अगल बगल में है उनको भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जरूरत है, क्योंकि जो अगल बगल में रहते हैं ना उनको बहुत दूर आता है, अरे मैं भगवान के साथ, तो उनको स्टेप डाउन करना पड़ता है थोड़ा सा, अरे भाई रिलैक्स, और जो दूर है उनको स्टेप अप। तो फिर स्वामी ने पूछा कि ये ट्रांसफार्मर सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो यहाँ पे स्टेप डाउन कर रहा है वो वहाँ पे स्टेप अप कर रहा है, ये ट्रांसफार्मर क्या है? फिर स्वामी ने बोला दिस ट्रांसफार्मर इज द प्योर हार्टेड प्योर हार्ट, योर हार्ट अपना जो दिल है दिस इज द ट्रांसफार्मर, जितना ज्यादा हमारा प्योर बनेगा हार्ट उतना अच्छा ट्रांसफार्मर बनेगा, यू आर कमिंग बैक टू ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? तो एज लॉन्ग एज जब तक ये हमारा हृदय ट्रांसफॉर्म नहीं होता हम स्वामी का जितना इलेक्ट्रिसिटी उनसे जितना एनर्जी हो सकता है वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता, इसीलिए हम सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं इस दिल के लिए, इसको परिपक्व करने के लिए, इसको प्योर करने के लिए, जिससे हमको स्वामी की एनर्जी मिल सकती है, जिससे हम स्वामी का काम कर सकते हैं, वो उन्हीं की एनर्जी लेके हमको उन्हीं का काम करना है। लेकिन एक बात हमको याद ध्यान में रखना है कि काम करने से कुछ नहीं होने वाला, हमको सिर्फ अपना गोल है, अपना गोल क्या है, अपना लक्ष्य क्या है, स्वामी के साथ एक होना है, स्वामी के साथ एक होना है, दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ द सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन। सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट सेवा हमको अपने आप को करनी है, हम स्वामी के कितने कितने नजदीक आते हैं, इतनी बात मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि हम सच्चे साई भक्त कैसे हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, पांच चीजों को सिर्फ ध्यान में रखना है, एक्चुअली इन पांच चीजों में सब कुछ आता है, विचार आचार उच्चार आहार विहार। थैंक यू स्वामी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी।